बंगाल में अभी एनआरसी से के खिलाफ में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बारे में क्या बोलना है? जो आम आदमी ये जो प्रोटेस्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है अभी। बिल्कुल, आम आदमी नहीं, आम औरत भी है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो संविधान के खिलाफ का कानून है, मानवीयता के खिलाफ। इसलिए औरतों की अगुवाही सबसे ज्यादा है, केवल शाहीन बाग में नहीं है, हमारे इंदौर में, माणिक बाग में है, बड़वाली चौक में है, जगह जगह पर। हमने नर्मदा घाटी में 9 दिसंबर को ही जाहिर किया कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो ये जो नारीवादी नज़रिए से देखा जा रहा है इसको, ये सबसे बुनियादी परिवर्तन लाने की ताकत रखने वाला आंदोलन है। आज़ादी शब्द को नया अर्थ मिला है। कल मैं रात 11 बजे तक उनके साथ, बच्चा बच्चा बहन बहन चला है। ममता जी ने भी सबसे पहले पोजीशन ले ली, वो बहुत अच्छा है। लेफ्ट फ्रंट ने भी पोजीशन, अब सेक्युलर यूनिटी की जरूरत है। लोग तो यूनाइटेड हो गए हैं इस मुद्दे पर, इन सेक्युलर पार्टीज अगर एकत्रित आकर भूमिका लेती है और आंदोलन में उतरती है वो तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आसानी से केंद्र सरकार झुकेगी ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अपने राज्य में कितने सारे अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने अगर पूरा स्टैंड लिया और NPR इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया, लोग तो, अगर सत्ताधारी पार्टी ताकत देती है तो लोग तो बिल्कुल संकल्प के साथ इसके खिलाफ खड़े और वो होना जरूरी। क्या जितने सारे बीजेपी अगेंस्ट बीजेपी जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं और मास जो पीपल है उसके एक मंच पर आना चाहिए इस मुद्दे से? तो मैं बोल रही हूँ ना, हम ऑर्गेनाइजेशंस तो आए ही हैं, हम भारत के लोग, ये बैनर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जगह जगह, ये ऐलान हम इस ऑर्गेनाइजेशन को भी करने वाले हैं। और कल देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन आजकल जुडिशरी भी किस दिशा में जाएगी कहते नहीं है, पर आज भी हम दस्तक देते हैं न्यायपालिका के दरवाजे, वो एक जनतंत्र का स्तंभ है। इनके कारण मैं आई हूँ। Hello।